हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कैपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम दोबारा आ गए हैं आपके सामने एक ओनरशिप वीडियो लेके। एंड आज जिस कार का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार है। एंड काफ़ी टाइम से इस कार ने इस मार्केट में अपनी अच्छी जगह बना रखी है। तो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रेज़ा का, और ये जो ब्रेज़ा का मॉडल होने वाला है ये ब्रेज़ा LXi मॉडल होने वाला है। आज इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे एंड जानेंगे कि ये कार कितनी कामयाब है और आपको ये कार कंसिडर करनी चाहिए अगर आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार में देख रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले बुलाते हैं कार के ओनर मिस जय को। जय हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इनसे जानेंगे इस कार का ओनरशिप रिव्यू क्या रहा इनका। तो मिस्टर जय, हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। हाय सर। तो जय भाई को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, एंड जय भाई ने कार ली है LXi मॉडल ही, आई गेस इसका बेस मॉडल है। तो जय भाई, सबसे पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि ब्रेज़ा को ही क्यों चुना? ब्रेज़ा आपको इस प्राइस रेंज में आपको 1500 सीसी का इंजन दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, और इसकी जो माइलेज है वो और सबसे बहुत ये है, प्लस ये आपको सब कॉम्पैक्ट नहीं है, कहीं प्रॉपर एसयूवी दे रहा है आपको। तो जय भाई, ये बताओ कि ब्रेज़ा जब आप लेने जा रहे थे तो आपके माइंड में कुछ और प्लान कार भी प्लान आप कर रहे थे कि मुझे ये इसके अगर ब्रेज़ा नहीं तो कौन सी और कार आप प्लान कर रहे थे? बुक करवा रखी थी। अच्छा। एक्स्टर की बुकिंग कैंसिल, मतलब इसकी वेटिंग पीरियड 4 महीने का था। ओके। तो 4 महीने के ऑब्वियसली, और मेरे को दिवाली के टाइम से ही पहले लेना था ये, उसी टाइम तो ये मिल नहीं रही थी। फिर मैंने एक्स्टर बुक करवा के मिल भी रही थी वो। ओके। मैंने बुकिंग भी, लेकिन फिर मैंने उसके रिव्यूज देखे, उसकी जो एवरेज है वो बहुत उसके लिए जो ओवरऑल है जो सब कुछ आपको देखना पड़ता है, जो कि भाई आपकी पहली कार हो तो उसमें सब कुछ आनी चाहिए। एग्जैक्टली। मेरे पास मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं मेरी सबसे प्रायोरिटी है जो कार के अंदर में जो बेस मॉडल में जो है वो आपके पास चारों पावर विंडोज होनी चाहिए, जो मेरे क्राइटेरिया का कंपलसरी है। ओके। और कार ना तो ज्यादा छोटी हो या ना ज्यादा बड़ी हो। ओके। तो मेनली आपको, आप जिस सेगमेंट, आप बेस मॉडल बेस वेरिएंट ही देख रहे थे, जो भी कार प्लान कर रहे थे उसका बेस वेरिएंट है क्या चाह रहे थे, और आपको इसके बेस वेरिएंट में सारे फीचर्स मिल जा रहे थे कमरे पे, बाहर से आपका जाने का कोई प्लान नहीं था। कोई प्लान नहीं। ओके। तो सबसे पहले बताओ कितने सैटिस्फाई हो इस कार से? 10 में से मैं 12 नंबर दूंगा। 10 में से 12 नंबर तो बहुत अच्छे नंबर दिए इन्होंने इसको। और कितना किलोमीटर आपने इसको चला लिया? ये अभी 2500 किलोमीटर, 2500-2600 किलोमीटर चला। 2500-2600। कोई लॉन्ग रूट आपने इस पे किया? 60-70 किलोमीटर का तो किया। 60-70 मेनली बेसिकली सिटी में चलाई है। और सिटी में जो आप माइलेज आप मुझे बता रहे थे वो 16.5 का है। 16.5 का माइलेज सिटी में निकालना, जैसे और दिल्ली NCR का ड्राइवर के लिए, मैं एक जैसे कि नए ड्राइवर, और दिल्ली NCR का ट्रैफिक तो पता ही है कि क्या है, बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में 16 की माइलेज निकाल के देना 1500 सीसी इंजन के साथ ये कार आती है। अच्छा, एक और चीज मेरे को अभी नोटिस किया मैंने, ये जो आपने लिया 2023 इसका मॉडल है, इसमें अब कंपनी ने जो इसके साथ एडिशनल बैटरी आती थी वो देना बंद कर दी है। उससे आपको कुछ लगा? उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी पहली गाड़ी है और मैं इसके एवरेज से सेटिस्फाइड हूं, और विदाउट बैटरी भी 16 की माइलेज ये निकाल रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उससे ज्यादा। मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था आपका, मेरे को ये थोड़ा सा गिमिकी फीचर लगता था वो बैटरी वाला, वो आप देख भी सकते हो विदाउट बैटरी भी ये 16 की माइलेज इस कार से इजिली निकाल पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी माइलेज है। एंड और अगर ओवरऑल बात करूं कार की हैंडलिंग वगैरह कैसी है? परफेक्ट। कहीं पे भी आपको नैरोज रोड पे भी आप निकल जाओ, कितने भी ट्रैफिक में निकल जाओ, बाजारों में निकल जाओ, आपको कहीं पे भी टर्निंग रेडियस भी इसका बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत प्रॉपरली स्मूथली आप तो बेफिक्र होके आप इसको। सस्पेंशन की बात करूं, कंफर्टेबल है, राइड सुपर ड्राइव, आप जब जाते हैं खराब रोड्स पे भी अच्छा सुपर, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी ऑफर करती है ब्रेज़ा, तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेके भी कोई इशू नहीं आया आपको। ओके। तो बात करें जैसे बेस वेरिएंट था, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिली, तो आपने कंपनी फिटेड कंपनी से काम करवाया है, तो वो आपको एडिशनल क्या कॉस्ट करा? मैंने कंपनी से, जैसे कि ये आपके सामने के बैजिंग, ये 2-4 चीजें जो क्रोम वगैरह का एंड अंदर शायद इंफोटेनमेंट सिस्टम आपने, म्यूजिक सिस्टम का, तो ये टोटल मिला के मेरे को जो 32-35 के करीब का, 32-35 के। और ये बेस वेरिएंट आपको कॉस्ट कितना गया था ऑन रोड? 9.6 ओवरऑल आपको 10 अराउंड आपको ये कार पड़ गई थी ऑन रोड आते आते। तो अगर 10 अराउंड में अगर आप देख रहे हो ब्रेज़ा, तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इस सेगमेंट की कार देख रहे हो। अच्छा, इस सेगमेंट में नेक्सॉन भी आती है,
इस सेगमेंट में वेन्यू भी आती है, वेन्यू सेगमेंट में सोनेट भी आती है, वेन्यू कॉम्पैक्ट हो जाता है इससे, साइज वाइज थोड़ा इससे कॉम्पैक्ट, इसमें इसके अंदर स्पेस बहुत है, जैसे कि एक छोटी फैमिली के लिए 4-5 बंदे आराम से इसमें आप कैरी कर सकते हो विद दो बेबी को भी आपके साथ, तो बूट स्पेस भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा इसको सीएनजी नहीं लेने का ऑप्शन यही था, जो मेरे को बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट मेरी रहती है भाई फैमिली के साथ, तो बूट स्पेस एम्पल स्पेस है। ओके, एंड इंटीरियर कार का कैसा लगता है आपको? इंटीरियर इंटीरियर थोड़ा सा उतना क्लासिकल नहीं है, उतना फैंसी नहीं है, लेकिन हाँ एज ए बिगिनर के लिए अच्छा है, नो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसमें, फैंसी नहीं है आप, लेकिन आप कार खरीद, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कार वाले तो आज के डेट में जो बेसिक चीज वो ऐड किसका कर रहे हैं, इतना टच स्क्रीन, अरे भाई वो बेसिक कार के फीचर्स नहीं हुए, मेनली जो कार एंथुसिएस्ट है आपको बेसिकली कार ज्यादा चलानी है, ना कि आपको फीचर्स, तो बेसिकली आपको ऐसी कार चाहिए थी जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे, एक अच्छी माइलेज निकाल के दे, और वो ये कार आपको दे रही है। पूछूं आपसे, आपने जितना भी इसको चलाया, कोई ऐसी नेगेटिव चीजें जो आपको लगी हो ब्रेजा के बारे में? अभी तक तो हैंडलिंग में मैं ऐसे बिगिनर ड्राइवर हूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन इस गाड़ी पे चलाने के बाद मेरे को उस कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ है ना कि लैक हुआ है, क्योंकि गाड़ी को लेके भी मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मेरे को उसमें कोई, मेरे को गाड़ी ने कहीं सपोर्ट ही किया, कहीं वो नहीं किया। तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे आप नए ड्राइवर हो ना और आप कोई कार प्लान कर रहे हो, तो देखो वैसे तो आप किसी भी तरह की कार को ड्राइव कर सकते हो, आप सेडान चला सकते हो, आप हैचबैक चला सकते हो, बट एक नए ड्राइवर को जो सबसे ज्यादा सूट करती है ना, वो एक एसयूवी सेगमेंट की कार करती है, बिकॉज उसमें आपको विजिबिलिटी पूरी मिलती है, आपको बोनट वहां से जो बोनट का जो थ्रू है वो व्यू आपको पूरा मिलता है, तो वो चीज एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आपको एक जजमेंट के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज आपकी जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी मिलती है आपको एसयूवी सेगमेंट की कार में। तो अगर जैसे आपने बताया नेगेटिव तो आपको कुछ नहीं लगा, पॉजिटिव ऐसी कोई चीजें जो आप बताना चाहोगे कि आप कहोगे यार ये इसमें पॉजिटिव है और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस बेसिस पे कि आप लोग इस कार को ले, तो क्या पॉजिटिव पॉइंट? इंजन में बिल्कुल नॉइज नहीं है, आप मैं तो 2-3 बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही सेल्फ मार देता हूँ जो भाई साइलेंट, कैबिन बहुत साइलेंट है, कैबिन बहुत साइलेंट है, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर में, जो कि आप बड़ी गाड़ी, ये हम मारुति की कार से जो आप बड़ी गाड़ियों में अगर आप कभी इसमें मर्सिडीज में बैठो तो वो बिल्कुल कीप क्वाइट, वो वाला कैबिन है, कैबिन बिल्कुल साइलेंट, बहुत साइलेंट है, इंजन आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 90 की स्पीड पे 100 की स्पीड पे चलाते रहो बिल्कुल ये नहीं पता चलेगा आप इतनी स्पीड पे जा रहे हो, और बिल्कुल NVH लेवल बहुत डाउन है कार में, वो NVH लेवल वाला इशू नहीं है, नॉइज एंड वाइब्रेशन का कोई भी कार में इशू नहीं है। तो आप मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड है अपने इस परचेस से, और आप रिकमेंड करते हैं लोगों को? मैं तो जो भी बिगनर है जिनका बजट अगर वो 6-7 लाख के बाजार है, तो वो भाई मैं तो उनको ये सजेस्ट करूंगा जो आप उसका बेस, अगर आप कोई भी अगर सेकंड बेस पे जा रहे हो उससे अच्छा आप इसका बेस ले लो। अच्छा एक पॉइंट मैं आपसे जय भाई पूछता हूँ, ये बहुत लोगों का रहता है यार मारुति के साथ, आजकल लोग ज्यादा ये बोलने लगे हैं, वो है इसका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार लोग नहीं मानते, तो उसमें आपको क्या कहना है, मतलब लाइक क्या वो, ये चीज़ थी आपके माइंड में? वो एक कंसर्न तो है, बट अगेन वो आपके ऊपर में है जो कि आप सेफली, फिर भी मैं आपको बताऊं ये जो मारुति की बाकी कार्स है ना उसमें सबसे ज्यादा सेफ ये कार है, बिकॉज 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है, तो ऐसा भी नहीं है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, मतलब मेरा जो ये है ना अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो आप ड्राइव केयरफुली करो, वो तो ऑब्वियस है यार, आप एग्रेसिवली ड्राइव करोगे, रॉन्ग वे में ड्राइव करोगे और फिर आप सेफ्टी ढूंढोगे तो वो कोई नहीं बचा सकता आपको, और इसके बेस पे भी आपको 2 एयरबैग मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो काफी मोर देन इनफ है। ओके, सो अगर जैसे आप बात, अपने अभी तक किसी कोई हाईवे ड्राइव तो नहीं किया, तो हाईवे पे किया मैंने, वही हाईवे में किया आपने, साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा गया था और एक यहाँ पे भी गया, तो 60-70 किलोमीटर का वो जो स्ट्रेच है वो हाईवे पे। अगर जैसे आप इसको 100+ चला रहे हो तो स्टेबिलिटी कार में कोई दिक्कत नहीं, बॉडी रोल वगैरह की प्रॉब्लम? बॉडी रोल थोड़ा सा ये है तो आपको थोड़ा अगर, पर वो भी ज्यादा हाई स्पीड पे जाते हो, लेकिन बॉडी रोल उस टाइप का नहीं, आप लेन ड्राइव करते रहो थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन आप एग्रेसिवली ऐसे ऐसे घुमाओगे फिर तो जिगजैग वाली ड्राइविंग ना करो। अब मेरे जैसे लोगों के लिए मैं 100-110 की स्पीड पे बिल्कुल स्मूथली गाड़ी, आपको ये नहीं लगेगा जो गाड़ी कभी पावर कम आ रही है, 100-110 के बाद भी गाड़ी में एम्पल पावर है, हाईवे में भी आपको फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। तो देखो यार जय भाई तो पूरा सेटिस्फाई है अपनी इस कार के साथ, एंड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज है इस कार से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जय भाई अपने एक्सपीरियंस से या मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको करूंगा।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नीचे भी आपको फ्लैश कर रहा होगा, आप इस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम मिलके एक अपना ओनरशिप रिव्यू बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।